क्या आपके घर में एक ब्लूटूथ बॉक्स है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपके घर का जो ब्लूटूथ बॉक्स है उसके अंदर कौन सा बैटरी लगा हुआ रहता है। ज़्यादातर ये वाला बैटरी 1200 जो बैटरी आता है, 1200 एमएच का बैटरी है, ये ही लगा हुआ रहता है आपके ब्लूटूथ में, ठीक है। तो किसी किसी ब्लूटूथ बॉक्स में 1800 का बैटरी भी रहता है, ठीक है। और अभी हम जो बैटरी के लिए इस वीडियो बनाने वाले हैं वो है 3000 mAh का बैटरी है, इस सब का बाप है, ठीक है। इन सभी बैटरी के अंदर से कौन सा बैटरी डालने से आपका ब्लूटूथ है ज़्यादा दिन तक चलेगा और अच्छा रहेगा, वही हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। और अंत में एक सुंदर सा टिप्स देंगे जिससे आपके घर का जो ब्लूटूथ बॉक्स है वो आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। दोस्तों ये देखिए बॉस इनका जो बॉक्स है, स्टीरियो वाला बॉक्स है, डबल आईसी वाला, इसको कैसे खोलते हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए लॉक को अच्छी तरह से इसको हटाना है और दूसरी साइड का लॉक भी हटा देंगे। और अभी देखिए ये सामने वाला जो नेट है इसको हम हटाएंगे, बहुत ही सावधानी से इसको खोलिएगा। ये देखिए इसके अंदर से जो धूल मिट्टी है इसको हटा देंगे। अभी इसके अंदर 8 स्क्रू रहता है, इसको फटाफट से खोल लेते हैं हम। इसको अच्छी तरह से खोलने के बाद देखिए आसानी से खुल गया है। अब देखिए ये जो बोर्ड है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। इसको खोल लेते हैं। ये मैग्नेट के साथ इसका जो स्क्रू है इसको लगा कर रखेंगे। ये देखिए ऑन करने का कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसका जो सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे इसका बैटरी को चेक करेंगे इसके अंदर वोल्टेज है कि नहीं। मीटर को 20 रेंज में रखेंगे वोल्ट में। अभी हम नेगेटिव को पॉजिटिव को एक साथ चेक करेंगे। ये देखिए इसका वोल्टेज एकदम ख़त्म हो गया, 0.12 वोल्टेज है। अभी हम चार्ज करके देखते हैं। यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर का वोल्टेज जो है ये बैटरी कनेक्टर के साथ आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए 2.238 वोल्टेज दिख रहा है, इसका मतलब चार्जिंग करने के टाइम यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है लेकिन हमारा जो बैटरी है ये ख़राब हो गया है। अभी हम इसका जो बैटरी का जो वायर है इसको खोलेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। इसको कट करने के बाद इसको नया वाला बैटरी जो है यहाँ पर लगाने वाले हैं हमको। ये देखिए ये जो बैटरी है इसका बैटरी का वोल्टेज सही है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे हम। ये 3000 mAh का बैटरी है, ये बहुत ही पावरफुल बैटरी है। इसको यहाँ पर लगाने से इस वाला जो ब्लूटूथ है इसका जो चलने का टाइम है बढ़ जाएगा। ये जो पहला जो बैटरी था ये इस बैटरी से अगर ये वाला ब्लूटूथ 2 से 3 घंटा चलता है तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इसीलिए हमने ये नया वाला बैटरी यहाँ पर लगाया है। आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग करने का टाइम भी थोड़ा बढ़ा देंगे और इसका जो सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा। इसको सेलो टेप की मदद से इसका जो वायर है इसको फिक्स कर देंगे। ये टूट ना जाए इसके लिए अभी हम इस सॉकेट को लगा के देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए हमारा ब्लूटूथ जो है ऑन हो गया। अभी हम इसका पावर ऑफ करेंगे। अभी चार्जर लगाकर देखेंगे चार्जिंग पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए ये चार्जिंग वाला पॉइंट में देखिए वोल्टेज आ गया है।
ठीक है, 5.29 वाला वोल्टेज आ गया है, तो अभी इसको पैक कर देंगे। इनको फटाफट से पैक कर लेते हैं। अभी बैटरी का दो साइड में जो कागज़ लगा हुआ था उसको यहाँ पर लगा देंगे, ये इसके अंदर शॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए बैटरी को अच्छी तरह से बिठाने के बाद इसका जो वायर है, वायर को ठीक से सही करके लगाना है। एक भी वायर बाहर निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो वाला वायर है कट जाएगा। ये जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर लगा देंगे। अभी हम स्क्रू जो है टाइट कर देंगे फटाफट से। ये देखिए इसका जो साइड वाला जो वैक्यूम है उसको लगा देंगे। उसके पहले ये नेट को लगा कर साफ करके लगा देंगे। दोस्तों जैसे जैसे खोलेंगे वैसे वैसे ही इसको फिट करना है। अभी देखिए लॉक को एक साइड लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पुश करिएगा, ये लग जाएगा। ये देखिए लग गया है। और दूसरी साइड को भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए हमारा पावर ऑन हो गया। इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे। ऑफ कर देंगे। ये चार्जिंग वाला एलईडी भी ग्लो हो रहा है। देखिए कैसा लगा इसका वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो लोग नए हैं सबसे पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। बोनस टिप के लिए आपको बताते हैं, बहुत ही सुंदर सा टिप है। आप आपके घर का जो भी ब्लूटूथ बॉक्स है उसको 2 से 3 घंटा चार्ज करिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए, रात भर चार्ज में मत छोड़िएगा। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।